फेस तो ठीक ले रहा है, कंबल भी है। आ चल। नहीं खाट ले आए? नहीं तू बावली है, खाट न भी लिया गया। खाट तो हुई, तू कितनी लिया? मोसा खाट मजबूत है दोनों ही। हाँ और तू सुन, और सुन हाँ, खेस दूती की भी राइड मार। चल अब खेस लेने चल दिए। हाँ हाँ, जेब में पैसे ले रहा के बे मतलब पैसे को बर्बाद कर रहा है। अरे सारे काम पिछू तो ही ना होते, जुबान और ईमानदारी भी हो कोई चीज, और वही दो चीज कमाई हमने। मौसी जी तू क्यों फिक्र कर रही, नहीं आप ले आऊंगे, जा रहे जान दे अपने आप ले आऊंगे। हाँ हाँ, ये तो नहीं करू जाके, पांच उठा के चल। अरे खेस वाले सुनिए, कितना भगा भगा। अरे रोक ले यार, तू तो सुनी ना रहा, मैं तो खेस की जरूरत है। बता हम तो खेस भी चाह और ये कंबल भी चाह। ले लो। बता क्यों कर दे रहा तू? बताओ एक काम कर तू है, मैं तो फ्री हो जी। मैं भी देख ली, मैं अभी 500 में तोड़ा देगा कंबलू का। बता कंबलू का भी 500 में दे दूंगा तोड़ा। महंगा सा नहीं लगा रहा? ना ना महंगा ना है, महंगा ना। अरे मेरे यार चाल, चार चार सौ रुपए में कितने ही ले ले, मैं उतने ही दुआ दूं। ये तो हमें देने वाले बतेरे। वजीब तो हम ना मान रहा, 400 में लगा लेती। 400 में लगा, काट दू ये दो। तो मैं काट दू तो अपने आप ही खंच लग रहा है। देखने तो पड़ेंगे, पीछे देने। पांच कर दूं? पांच पांच कर दे दोनों, और एक काम और कर, तीन तीन सौ में लगा ले, तेरे सारे बिकन लग रहे। 300 में? हाँ मगर मेरे भी ताकत बड़े है। अरे जाकत वाले तो सब के। 300 में? हाँ 300 में लगा दे। चल लगा तू, पांच पांच काट दे। अरे यू तो अपने आप ही ठान लग रहा है, रुक तो जाता हूँ मैं, दिखान तो लग रहा। कष्ट कमाई का पीस हमारा जोड़े हैं तब, ये जोड़े ये और दे दे। ये पांच हो गए, ये तो है, एक और ले ले ले, पूरे पांच हो गए। और ये भी पांच ही कर दूं? हाँ पांच ही चाहेंगे अभी। चल भाई एक मिनट, इब तेरा सारा काम निमटवा दिया, सुद्धा करो जाइए। अरे ताऊ तू तो लेके चाल से मेरे पीछे तो देता, मेरे तो बोनी भी नोई तड़ गीता। अरे भले मानस बैठ जा, पीछे ही लाने लग रहा, मैं भाग नहीं रहा कहीं। अरे दो खेत से केले लिए तही गा दिया, निरोल चुट्टी में डंक मार रहा, मैं मानसू की पिछाए नहीं ना। पकड़े ने मेरा तावड़ा बहुत जोर में दिया। पांच इठा के चाली खेड ले। अरे मुस्ता तो पूरा उगात पावा। ट्रक कैसे पहरा सा दे रहा भाई? अरे भाई पहरा के दे रहा, खेस बेच रहा मैं तो फिर बेचे ना यहाँ क्यों खड़ा? अरे भाई पांच कंबल पांच खेस ले गया देखता हूँ, और भाई पीछे ले आने लग रहा, मैं तो उसकी पार्ट में खड़ा। किसका घर है? यू किसका घेर बन गया भाई, यहाँ कोई नहीं रहता, ये तो हमारा घेर है और ये हमारा घर है। घेर है? मैं जैसा अपना घर बता रहा था वो। पैसे वैसे तो आउलिए फिर तेरे, देखने में कैसा था वो आदमी? देखने में रियल सा था भाई, पांच फुट का था और गोली सी टैटी हुई थी। कौन हो सके भाई? होता कौन, राजवीर होगा। ठीक है उसके अलावा कोई है नहीं? हाँ, कोई है नहीं भाई। तू एक काम कर, अपना टाइम खराब मत कर, ये जो तेरे कंबल और खेस है ना, इन बच्चे कुचे को बेच ले, वो तो ले गया, तेरा पागल बना गया। कैसी बात कर रहे यार, देखने में तो बहुत भला आदमी लग रहा था वो। अरे वे देखने में आदमी से लगे, वे है कुछ और ही चीज। तेरे पैसे वैसे नहीं मिल रहे, अब जा अपना जो बच रहा उसे बेच ले। कैसे कैसे निकल जाऊंगा भाई, अपने पैसे लेकर जाऊंगा, घर बताओ तो मजा उसका। देखा घर बूझ रहा, घर घर ही मत चला जाइए उनके, नहीं तो जो कुछ बचा कुछ आ ना उसे भी छिनवा लेगा और पिटेगा और इल्जाम लगा के तुझे पुलिस और थाने में और भिजवा देंगे, और फिर फ्री है उनके पीछे पीछे। भाई मेरा कोई हराम का थोड़ा है रहा, मैं तो पैसे लूंगा अपने, मैं तो अलग में आते हैं काट लूंगा पैसे अपने। ना वैसे हराम का तो नारा दे रहे, पैसे तो तू निकाल लेगा किसी के मामा मुंह में तो छोड़ पेट में तो निकाल लेगा, पर उनकी तेरे जेब में तो ना लिख रहे। क्यों बावड़ा हो रहा तू, अपना हिला कर जा भाई, ऐसा ना जाऊं मैं तो। भैया फिर जैसे भी भेजेंगे ना वैसे चला जाइए,
पिटेगा, छितेगा और थाने कचहरी में और भगा डोलेगा। अरे भाई तुम मेरे घर बता दो और जम्मा मन और फिर मैं जाएंगे। तो तू नौकर सीधा जा मोड़ के बाद सरकारी नलका, किसी से पूछ लिए राजवीर का घर कौन सा, बस वही है। ठीक है। जिसका टाइम खराब आवे ना राजवीर के घर का पता मुझे है। इसकी काया भी ना चवल्लीलाल की तरह ना मारी मांग रही है। आ चला। हाँ चल चल। और सब्जी ना आज के रांधेंगे? पता नहीं जो भी तू कहेगी। ताई राम राम। राम राम भाई राम राम। खेस बेचता फिर है, खेस तुम्हारी बेच रहे और के पता ना। ताई जोन सा था वो धोली सी डैडी ले रहा ना, पांच केस और पांच कंबल लेगा था मेरे पता है। अरे इन लोग का तो फटका नहीं हुआ आगे। अरे तेरा दिमाग खराब है, हम क्यों लेंगे तेरे पैसे, हमारा तो काम इसी चीज का। भांग पी का आया के तू रे, मारे खेस बतेरे धरे, मारे चद्दर बतेरी धरी, कम्बल बतेरे धरे, मारे तो गोदाम है इन चीजों का। अरे राजेंद्र का बापू फेरी करने न गया, बेचे हम तो तेर से लिया है खेस और कम्बल। अरे ताई मैं सच कह रहा, ताऊ मेरे पे दिलाए खेस कम्बल और पीछे मजा देगा नहीं वो। मौसी यू तो सरेआम इल्जाम लगान लग रहा हम पे। अजी इल्जाम लगा देगा ऐसा मारूंगी बसरे पे, बता रही हूँ तुझे बात, दिखा दूंगी तुझे दिन में तारे। इतना बड़ा बुड्ढा हो के तेरे खेस ले आओगा वो, इतने बड़े आदमी पे इल्जाम लगा रहा तू, शर्म नहीं आ रही तुझे झूठ बोलते। चला जाए ऐसा, नहीं तो ऐसे इल्जाम लगा दूंगी जाएगा पुलिस थाने में, ना छूटेगा जल्दी से पीछा भी। वैसे कैसे आदमी समझ रहा हमें, अरे आज तक उसने इतनी सी भी चीज चुराई ना ठाई ना, तेरे खेस ले आया। भैया तुम मारे थे तो मगज मारे मत ना, हमारा तो पहले सिर में दर्द हो रहा, कोई और लेगा होगा। अरे तुम दोनों मेरे पे विश्वास क्यों नहीं कर रही? कर रखा तेरा विश्वास, मैं कह रही हूँ तू चला जा सरापति से मैया, और नहीं हम अपनी सी पागे ना तुझे पीछे छुटाना भारी हो जाएगा मार से, मान जा। और के अभी तो हम तेरे तक सरापत्ते बात कर रहे, जो हम अपनी पागे ना जो तू ये ले रहा ये भी छोड़ के भागेगा। नू का पता है इसे। ठीक है ताई मैं जा रहा, भगवान थारा भला कर रखा, हमारा भगवान ने भला, तेरे कहने से करेगा भगवान मारा भला, जा चला जा। करता रे आ गया। खाट भरन वाला है के यू? खाट भरन वाला ना है, फुप्पा है थारा। खाट भरन वाला पूरा रोड़ी पीटना है भाई। राम राम जी। राम राम। आजा करता रे। करता रे आ गया दिखे है। ए पल्ली ली तन्नक जाके बिछाई है। अभी लाई। आए। फुप्पा आजा कुल्ला कर ले। गिलास ले आता भाई। गिलास में क्या डगा ले, कर ले न्यूयॉर्क ते ही। ले हाथ उससे भी धो ले। आजा बैठ जा। कोई बुड्ढा ठेरा मेरे का दिखे। राजवीर खिलिया नहीं दिख रही। अरे भाई करता रे जान वाले कहां दिखे करे, वे तो दिखते ही नहीं। जाने वाले मतलब? अरे पुप्पा तो जयू कुल्ला करवाया, यू बुआ खिलिया के मरे वेगा ही करवाया। मतलब खिलिया? हाँ हाँ मेरी बहन बहुत ही सुद्धी थी, घना लगाव था, चली गई बिचारी, चल बसी। पर यो सब हुआ कुकर? भाई करतार सिंह पता नहीं बस क्यों कर हुआ। तो ठीक ठाक गई थी, एक पोटली सी भी ले रही थी, हमने तो कोहली का भी ना देखा। और इनका तो विदाई पे मोशी ने भी दो जोड़ी तो लत्ते दिए, इतना खुश होकर गई बिचारी अंत है, बुझा ना बस तू। ऐसा कैसे हो गया, तुमने मेरे को पता क्यों नहीं करया? हमने बतेरा पता करया पर तू आया ही नहीं। बुआ नु बताई थी पुप्पा थारी गल झगड़ा हो रहा उसका, हमने तो नू मान्य तुम छो में नहीं आए, और हमने तो सान लो थारी बाट देखी, अक्ता माजो दर्शन कर लो आखिरी तुम भी, फिर सारा काम कह लगा भाई कद लो बाट देखोगे तुम, हमने तो फिर अजल मजल करी दी। राजवीर तुमने घना चाला करया।
कम से कम उसकी मट्टी तो दिखा देते मुझे। अरे भाई के चाला कर दिया, इब के तू देनिया वो होता उसकी मट्टी मैंने बता। इब ये तो तरबूजों की प्लेट लगाऊंगे मट्टी में, मट्टी में क्या काटोगे? मारा तो खर्चा भी इस मामले में इतना हो गया, बस हम ही जाने। इंगे तो आज इतना कचरा, अग जाख तू का करे, अग उनका करे, गांव समाज को देख के सारा काम करना पड़ गया, इतना पैसा मारा लग गया। बेटा पैसे दे लेगी तो कोई बात नहीं, जो खर्च होगा उसे तो मैं दे दूंगा, पर वह जो चीज वसत ले आई थी उस पुटड़िया में उनका क्या होगा? अरे करता रे, हमें के पता वह के लाई के नहीं लाई, वह तो यहाँ जितने दिन रही खूब राज्य रही, खुश रही, जीव गई खूब राज्य हो गया गई। अरे मुझसे तुम रो जाओगे के? तुमने रो रो के अपना क्या हाल कर लिया? नुही मोशी नुही तम ही नहीं थमरे, तुम अपनी आँख और खराब करोगे। इब थोड़ा बहुत झटका भी फूफा मार लगा रोन का। राजवीर बड़ा चाड़ा गया, मेरे तो जीने का सहारा वही थी, इब को करोगा? अरे बस फूफा भी तू इतना देर ला तो होना, तू भी यहीं आ जा, यहीं रोजगार में मार दो रहे। अरे यहाँ कहाँ रह लेगा यू, इसका सारा बार धंधा तो वहाँ पड़ा। अरे उसका तो जाके एक दिन सौदा कर आऊंगे, बेच आऊंगे उसे तो करिया, और यहीं तुड़वा देंगे किसी घर घेर का ताला, यहीं रह लगा यू भी। और गांव में हमारी बतरी इज्जत है, क्या दिक्कत है? बतरी श्रम है हमारी, यहीं रहेगा। हाँ यहाँ रह लेगा और के। चलो जी ठहरिया, अच्छा है भाई, मैं भी यहीं पड़ा रहूँगा, गांव में जाके ही करूँगा क्या मैं, ठीक वहाँ मेरा क्या दरिया है उसके बिना। ठीक है, प्रधान को कह के बनवा दूंगा तेरा राशन कार्ड, और हमारी एक वोट और गांव में बन जाएगी, बढ़िया है। हाँ गांव की प्रधानी नहीं छिनेगे, बोटू तो छिनेगी। रहन दे तुझे खर्चे के पर्चे तो दे दे। ले पुप्पा यू खर्चा हो रहा हो सारा, देख ले भाई कूप से मार का, पर देख लगा के ब्याज पे ले रखा हमने तो सारा, यू यू है सारा। मतलब थारे कहने से अपनी घर की इज्जत को बाहर भेज दे तो तुम्हारी थोड़ी अकेली जाएंगी पढ़ने को, गांव की और लड़कियां भी तो जाती हैं पढ़ने। जो जावे हैं उन्हें जान दो, हमारे तो घर पे ही ठीक है, हम ना भेजते अपनी को। बिन पढ़े लिखे समाज में गुजारा नहीं है, इन लड़कियों को पढ़ा लो, इनको बाहर भेजो पढ़ने के लिए, इनका पढ़ना बहुत जरूरी है। ए बहन ना मारा तो चोखा गुजारा हो रहा, हमें तो ऊपर वाले ने इतना काम दे रखा कि हमें तो बैठने की फुर्सत नहीं मिलती। ये काम अपनी जगह है, पढ़ाई लिखाई अपनी जगह है, अगर तुम इन्हें पढ़ाओगे ना तो फिर शादी करने में बहुत दिक्कत आएगी। कहीं ना दिक्कत आने की, तुम्हारी तो हाथ की दस्तकार हो जाएंगी, अपने आप ही आगे पीछे घूमेंगे रिश्ते वाले हाथ जोड़ते हुए, हमें क्यों टेंशन होवेगी, तुम्हारी तो खुद अपना काम चला लेवेंगी। आप जमाने की रफ्तार को तो देखो पहले, आज लड़कियां कहां से कहां पहुंच गई हैं, कोई पायलट बन रही है, कोई आईएएस अफसर अब तो बन रही है, और आप अपनी बच्चियों को घर में बिठा के बेकार कर रही हो। माना दस्तकार होगी मगर उसके साथ अगर पढ़ाई लिखाई होगी कल को वो अपने बच्चों को खुद पढ़ा सकती है, अपने बच्चों को अच्छे से पढ़ाएंगी लिखाएंगी, उनके बच्चे कामयाब हो जाएंगे, आपका भी नाम होगा। हमें ना भगाना अपनी छोरी को जमाने की गैल, हमारी तो घर ही ठीक है, और तुम अपने घर को जाओ, राजेंद्र के पिताजी आ गए ना तो यहाँ राड हो जाएगी। के बकरी है ये, नू कह रही है अपनी छोरी इनको घर से बाहर निकालो। अच्छा क्यों पागल है ये, क्या हमें पागल मान रही है, दिमाग ठीक है कि नहीं है? हम तो छोरा हो छोरी हो दोनों को बराबर मानना, बड़ा घर से बाहर का डन की चीज हो। देखो हमारा तो सिर्फ इतना कहना है कि अपनी लड़कियों को अच्छी शिक्षा दो, उन्हें पढ़ाओ लिखाओ, स्कूल तक भेजो बस। ये बाल से कटवा के तू घनिया कलमा अंदरी के अपने में हैं, आई चल के जा पढ़ रे मेरे बालक। हाँ आई पढ़वान प्यारा ना, पढ़ाण पे इतना जोर दे रहे, जो कोई भी आवे पढ़ाओ पढ़ाओ, तमने के काट लिया पढ़ के, हरे अलग में लट दे रहा क्या, तम पढ़ो तम पढ़ो, हमें पढ़ाओ तुम, जी तो ऐसा कर रहे इसमें दो धर दू। मैं कहना रही तुमसे पहले ही छो हो जाऊंगे लिकट जाओ तुम, पर तुम उठी ही ना। अरे उठ जाओ अब तो उठ जाओ, ये दो चार सुनिए तो बैठी रहो। जो भी आवे यहाँ वो पढ़ाने की बात कहना आवे, मारे में घाट मान रहे क्या, कल मजा कहीं भगवान मिल जाना उस पता कल ही मांगू, और सबसे पहले कमे दू बाकी गांव में बंटू, एक भी मानस की सिमेंज में नहीं आ रहा मैं एक की भी, और बतावे अकल यू किसन जुड़वा रहा सारे सांग मरी जान को, लग रहा था ऐसा ही है कुछ, जय किसी न किसी को अकुन अकल देखो, बेरन अपने में कितने अकल मान रहा।
और कितने तू मान रही अपने माँ कल ये बाल से छटवा के गणिया कला जाके हाँ खड़ी अंदर तक हो जाओ खड़ी माँ खराब कर रहे मारी अकल सुधारण के नाम के अंडे सब हमें सब ब्यार आके पढ़ाना चाह रही था मैं राजेंद्र की माँ के आगे एक भी न जानती इतनी बात हमें शिकारे पता नहीं क्या ऐसा लग रहा है यू किसानी भेज रहा उल्टी सीधी पट्टी पढ़ा पढ़ा के हमारे घर नू नहीं पता यू के चाह रहा हमारे पे करवाना हमें कुछ पढ़ाना चाह रहा है यू ऐसे क्यों बैठे हो कुछ सोच रहा हूँ क्या सोच रहे हो यही भगवान श्री कृष्ण ने बताया है अपने अधिकारों के लिए लड़ना पड़ेगा किस लिए आप किससे लड़ने की सोच रहे हो किससे लड़ता ये जो हमारे पड़ोसी हैं जिन्होंने हमारा घेर कब्जा लिया इनसे लड़ने की सोच रहा हूँ किस तरह लड़ता मैं नहीं उनसे लड़ना नहीं है आप अकेले इनसे लड़ लोगे लड़ना नहीं हमें किसी से नहीं लड़ना नहीं लड़ेंगे तो क्या करेंगे हम यहाँ से चलेंगे बाहर लड़ेंगे नहीं तो बचेंगे इनसे हम इनसे लड़ने की वजह है दुम दबा के भाग ले हैं नहीं मैं भागने के लिए थोड़ी नहीं कह रही हूँ हम तो अपने बच्चे के भविष्य के लिए जा रहे हैं इसे अच्छी शिक्षा मिल जाएगी बाहर जाके इसका भविष्य बन जाएगा नहीं हम नहीं जा रहे कहीं भी अब इन्होंने घेर कब जाया घर भी कब जा लेंगे ये तो चाहवे ही यूं है हम अपना घेर छोड़ दें घर छोड़ दें इनते डर के भाग जाएं इसे भी कब जा लेंगे हम नहीं जा रहे कहीं भी पढ़ ले भाई अरे मु समझण कहां लाग देर भैंस लेन जा भैंस हां किसके दुबली के थे दुबली कौन अरे ये हकड़ा घनी जोर की जोटी बंदी बैठा घनी सुथरी फिर तो लुआओ भाई हाँ लुआओ बालकू की चढ़ती उम्र है दूध ही मिल जाएगा तो मिल जाएगा फिर कद मिलेगा ठीक चल एतवार का दिन है शुभ दिन है पकड़ ही लेंगे बस अरे दुबली है के भाई हाँ भाई राजवीर आजा भाई आजा आगे बैठो जो आजा बैठ जा और सुनो डंगर तो कई ले रहा है डंगर बहुत है मेरे दोरे और के कुमाई चल रही बस कुमाई के चलते डांगरू का गो 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 हटाओ जावे और दूधार मिल जावे और क्या करना यह घर की दिख है जोटी अरे दुबली लंबरदार भैंस बिकाऊ बताई तेरे द्वारा भैंस मेरे द्वारा बतेरी बताओ तुम फेरिस परली वड़के के मांग रहा तू या परे खड़ी परली ने बेच था मैं भाई अरे बेच दे बढ़िया पीछे मिलेंगे बेच दे तू बाल को धरे मरे दूध नहीं हो रहा और तुझे तो बत्ती दूध की भैंस चाह तेरे तो दूध भी वार का काम है ऊ दूध की तक दे दे या परली दूध दूध या देवे 18 किलो अच्छा के बता रहा मेरे यार दूध दूध बता मजनू लगा तू तो मुंह तो टो बिगना रहा मारते मुंह तो बता रे दूध है भाई इतना एक टेम का कि दोनों टेमों का दोनों टेम को बता मैंने अरे मोसा सन लेते हम इसकी तो जीभ धोली है देखे कि डाल जीभ काट रही गोल सींग ले रही है या ना देने की टोपा भी वो भैंस तेरी है नहीं एक दिल्ली की भी तू मान नहीं रहा ऐसे देखिए एक का हाथ लंबे तो सींग इसके धोड़ी जीभ इसका नहीं कोई गाग मजा ना लाग रहा बिल्कुल भी काम की ये तो पीछे मार देने वाली बात कर रहे खमा खाम यहाँ
अरे नहीं तो जागी मारे धोरे हमनु है गोर करके खड़ बिनोला गेर काम कर लेंगे इसके तले पर तेरे बस की नहीं इसके तले डोका काटना। नी बहनी चा कमी पेशी आपस में और दूरी तू भी यार मारा उठने बैठने वाला आदमी बाल को धरे दूध हो जाएगा तू पीछे पीछे बता दे तू भाई जब ऐसी बात है तो चल देख दूं मैं बतात के मांगे इसके हाँ भाई इसके रुपए मांगू मैं 50,000 गिनिए रे सर रुपए गिन 50,000 हाँ और सोच दे मैं फिरवारी क्यों करे कहीं भी कुछ ना तू रुपए गिन कम होने के कहीं तो चलो कम हम भी नहीं देते ना कर रहे हम पहले यहाँ देख बूझ के जितने उतने दें 50 और 1,000 अंगली दिखा अंगली का क्या कर 50,000 50,000 से और मैं बेच दूँ कितने हो गए 50,000 50,000 हो गए इन्हें दर और सोच दे मैं वार निकल करते सुन तो इने धर तू मोसा खोल गिन लड़ तू अपने थोड़ी से लग रही पैसे तो 50,000 बता रहे यार 50,000 50,000 चार 50 1,000 50 अरे तो 1,050 ही है यार यार ये तो मेरा पागल है बना गए हटिए तो 1,050 है फिर और दाओ भैंस बेचिए क्या भाई हाँ बेच देंगे भाई आजा बैठ मैं बांध लूँ फिर ठोक के सौदा कर लूँ आजा भाई यहाँ बांध लूँ बांध ले एक बार हाँ हाँ एक बार बांध ले ये आजा भाई आजा यहाँ आजा एक डब्बी चलो भाई चलो यहाँ आजा बता भाई क्या पैसे की भाई तू बता तेरी कितनी भाई तेरा माल है तू बता भाई एक ही बताऊंगा सौदे वाली भी हाँ बस एक ही बता दे भाई सीमेंट में आवेगी राख लिए ना जान दे रपे चाहेंगे पूरे 50,000 अरे सही कर ले कुछ सही के कर ले 14 किलो दूध है और सही के कर ले अच्छा है हाँ तेरी 14 बार सीमेंट में अति हो तो राख लिए ना हम अपनी को लेकर ले फिर दे भैंस 1,000 रुपए ले फिर भैंस दे दो ठीक है धर लिए इबी ना गिनेगा कौन गिनेगा कौन हाँ गिन रखे 2,000 गाठ हैं नहीं भाई पूरे हैं भाई किसी बात कर रहा ले तू गिन ले भाई ला भाई दुम पचक दुम पचक दुम दुम पचक दुम पचक हाँ भाई ये तो काम है भाई ले भाई फिर पचक दुम दौड़ ले भाई नोटी गिने हम तड़की ले भाई ले और ले भाई पचक दुम दुम ठीक है ठीक ले भाई देखोगे पूरे भाई हाँ ही पूरे हो गए ले बधर लाओ अब दे दो भैंस देख भाई वाबंदरी भैंस भैंस तेरी अपनी खोल ले जा खोल ले जा ला भाई पैसे तो ले लिए भाई पर एक बार भैंस के खुंटे का हाथ तो लगवा दे जब तो खोल लेंगे ओ भाई मारा इतना सोप तो देख रहा है तू वाबंदरी भैंस खूब खुंटे का हाथ लगा जिब तेरी राजी हो ले जाइए इतनी फुर्सत ना मारी तेरी सारी भैंस मारता पूछ के करेगा के तू हाँ खोल चल भाई देख लूंगा मैं भी चल भाई तेरी भैंस चल भाई शुक्र करे कर लिए भगवान अनुज वे पीछे का एक बार ले कितने हैं ये इनमें दो और मिलाई है ठीक है ना ठीक कितने हो गए ये हो गए 52 52 ठीक चल चल
इब नु मान दो ही बचेंगे तो जल्दी लेगी वे तेरी मौसी मो जाएगी यू ठीक है चाल का गुरु के है की है ये तो मुझे 1050 के अगर मैं चल नहीं मिले भैया अपने पैसे लो 50,000 ले रे मौसा धरिए और चल बैठ सर सुन चलन को अरे कौन सी भैंस के चल रे मौसा यू पीछे हट तू चुप रो भी एक मिनट भले आदमी दुबली तू भी बालक की बात का इतना छो मान गया शर्म तेरे रही नहीं 50,000 रुपली के ऊपर तुम्हारा रारो क्यों खड़ा गाड़ में इज्जत ही कुमाई तेरे 50,000 भी आ जाएंगे ऐसी कोई बात ना अरे मौसा किसी बात कर रहा तू इसकी कौन सी नोली चाह हमारे पे तना पता बालक है तू ऐसा है तेरा के बचा मेरी डबकू बता के बचा भाई तेरे 50,000 तो मैंने दे दे मेरी तो मेरी भैंस दो भैंस पीछे बता तू भैंस भैंस को छोड़ परेगू 50,000 रुपए जा मेरे 50 कोई बात नहीं तेरे 50,000 सोने की खुंटी पे अच्छा हाँ दूध पीने लग रहे बेफिकर रो ना भाई राजबीर तूने सोने की खुंटी पे ते 50,000 को तार कदी वे दूध पीते पीतो अफर जा अर अफर के मर जा उनके भाई कहीं अफारा नहीं आ रहा तू दूध पीन दे उन्हें जम के नहीं भाई राजबीर मैं जे तो तड़के ही नहीं भैंस लानी पड़ेगी अरे ले ये भैंस भी तू निरोल मारे ऊपर ले आओगा के हम तो जरूर रोक रहे के अक मारे रपूते लेनी अरे तो भाई भैंस को लाने के लाख पैसे भी तो चाह दुली भाई घनी कच्ची कह दी अरे भले मानस 50,000 रुपये तो तेरे मैनू कहूँ सोने की खुंटी पे टंग रे दूध पीन लग रे जीव चांगे ले ही है पर तू तो मेरे यार घना ही रह गया हम नहीं किसी की चीज ओड भी राख के राजी तू इस बालक की बात को इनू ही मान गया अरे तेरे हैं जीव चांगे ले ही हमने बिल्कुल आगे पीछे उनके ना पे राजवीर मुझे पैसे पूरे चाह अरे भले आदमी दुबली इतना भी भरोसा नहीं रहा नहीं खैर भरोसा तो मुझे था पूरा पर भैंस कहाँ है अरे मेरा भैंस की तो धार का डगा के हैं कि थारी हमारी बात होली बात ही खत्म होगी अरे आदमी इतने बड़े बड़े उधार करे इसने एक भैंस के ऊपर लाल काट दिए हम चल ना मौसा तजे एक बात बताऊं तू कुछ ही मारे पते लिया पर पीछे जिप जी करे जिप दे दिए हम पीछे का जिक्र भी ना करे भले मानस 50,000 रुपए के ऊपर गाड़ में रो क्यों खड़ा ले बा मारे तो पे, 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 पैसे भी गए और भैंस भी गई अब तो मुझे राज्य नहीं काम करना पड़ेगा राजवीर भाई मैं दो 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 दो, दो, दो एक दिन मम्मा और पैसे लागे तैयार नू करा ये तेरा मौसा घर में पैसा ही एक नहीं और पोते का ब्याह लेकर बैठ गया मौसी तू क्यों परेशान हो रही हम अपना गांव छोड़ के इसी काम की नियत तो आए मौसा जी गए तो हैं पैसों के लिए आते ही होंगे तू टेंशन ना ले वे अरे मैं नू परेशान हो रही हूँ इसे उत्ते को किशन को रोलू बैठ के इसकी वजह से तो राजिंदर मुझे बाहर रखना पड़ रहा तू होता तो अपने का बड़ा ठाट से ब्याह करता फिर ना ही मुझे टेंशन लेने की जरूरत लो मौसी वे आ गए मैं तो नहीं दुखी हो रही हूँ कहाँ थे तुम दोनों सवेरे से कहाँ थे काम तो जा रहे थे या कुछ जुगाड़ ना हुई पैसों का अरे कैसी बात कर रही मौसी मौसा किसी काम तो बाहर लिख डर खाली आता जा मौसा तो बड़ा गुड़ है जहाँ पड़े चाहे बोझ उठा के चला अपने ते हो गया लक्का डाट इतने सारे पैसे कहीं ब्याज व्याज पता न ले आए तम इतनी मोटी रकम अरे तू ब्याज की चिंता न कर बोलो हमें कुछ नहीं देना जो कुछ मिलेगा हमें मिलेगा तू कहीं ना खाई गिन ले ना एक बार के हाथ लिखाड़ना मैं तनु ही बता दूंगी वजन से 52,000 से लगे थारा वाला वजन पूरी एक्सपर्ट है बैंक में भेज देकर सारे काम करिया करेगी 52,000 भगवान ऐसे याद तेरे में इब ठाट से ब्याह कर दू तो मैं सोने की चीज बनाऊंगी पोते का ब्याह ठाट से लाऊंगी करके अब ना टेंशन इन्हें खेत में को ले जाओ इनके बैठे बैठे गोड्डे जुड़ जाएंगे हाँ ले जाओ मैं यही ठल्ली बैठे की एक रगाई खेत में ही कर सके कुछ
यू कौन है? अरे तू केले हमारे सो आवे सो जावे, सबको पूछ जाएगा का कौन है यो। तू अपने घर को जा। अरे भाई मैं इनका फुप्पा हूँ। अरे यहाँ फुप्पाओं का जमघट है। किसके फुप्पा हो आप? राजेंद्र सिंह का फुप्पा। तू बता केले, सारी दुनिया के तो फुप्पा ये हैं, हैं? और तुम इनके भी फुप्पा आगे चोखा। अरे बाबूजी मैं वैसा कैसा फुप्पा ना हूँ, मैं तो रिश्ते वाला फुप्पा हूँ। अरे तो रिश्ते वाले फुप्पा, इनके कौन से रिश्तों की कमी हो रही है, हैं? एक कक चार चार लियो बैठा, तू इनके और रिश्ता करवा दे। अच्छी मैं नूझू यू यही बसा लिया के? हाँ बसा लिया, तेरे घर में बसने जा रहा। तुझे बता तुझे क्या परेशानी हो रही, हमारा रिश्तेदार हम तो ऐसे ही रखेंगे। मुझे इसके यहाँ बसने तो कोई परेशानी नहीं हो रही, पर मैं नू बूझ रहा हूँ यू गांव है या सराय है, हैं? सारे रिश्तेदारों को ला लगा तुम यहाँ इकट्ठा करने लग रहे हो। एक वो टेढ़ा मेढ़ा सा आदमी मामा बताओ तुम उसे बसा रखा है। एक वो टींड की साव के नाम बताओ तुम उसका अनुज उला के बसा दिया। तुम इसकी सुन क्यों रहे हो, इस तो यूं बुझ जो यूं करने के आया यहाँ, जब तक यूं ना आया तक। हाँ भाई किशन कैसा आया है तू, के काम है तुझे, हैं? तू इतनी देर से वैसी पका रहा, हमें बेमतलब दिमाग खराब कर रहा, तू जाता क्यों नहीं है से? मैं तो जा रहा हूँ, पर मैं नू बुझू था, तुमने मारा यू घेर कब्जा लिया, कर्मों का खेत कब्जा लिया, उस हकले की तुम भैंस ले आए खोल कर, तुमने उसे अन्ना नहीं दिया। वो खेस वाला बेचारा अपना सिर पीटता जा रहा था, उसे एक अन्ना नहीं दिया, उसके खेत सारे छीन लिए, हैं? तुम इस गांव में किसी को जीन दोगे नहीं जीन दोगे? अब तुम मुझे नू बता दो, तुमने फुप्पा उठा रखा, तुम इसे किसका घर या घेर कब्जा के दोगे? तू मुझे नू बता दे किसान, तू गांव का प्रधान है मुखिया है क्या है तू इस गांव का, जो तू सब सबके मुख्यमंत्री लेके तुम्हारे घर आया, हम तो सारा गांव कब्जाऊंगे, हैं? तेरा तो नहीं कुछ कब्जा रखा, तू बता तुझे क्या लेना। कब्जा न रखा, थारे शर्म की कुछ हद है नहीं है, मतलब घेर कब्जाओ बैठी है, फिर भी नू कह रही तेरा के कब्जा लिया। अरे घेर हमारा था हमारा, हमने ले लिया, और तेर पे लिया जा तो ले ले जा, और बैठे इसमें जा जा तू अपना, तेर पे लिखना है तो मैं लिखाड़ तो खूब दू, मैं तो तुम्हें पंजा भी न मारन दू। ये तो हमारे प्रधान और MLA खराब हो रहे हैं, हमारे नेताओं का करा धरा सब, थारी इतनी मजाल हो जाए भला तुम। देख किशन, राज्य से तो घेर दे हम चार, और गैर राज्य से तो हम कट्टे तोड़ दे, कोई इस घर में प्यार धर दे। हाँ तुमने पता ना के तोड़ रखा दुनिया का, तुम ही हो रहे गट्टे तोड़ने वाले, और यू कौन है? देख लो के बकवास कर रहा है यू, तेरा हमारे पोते की बहू है यो, आई तो ना तेरी लुगाई मुंह देखने भी मुंडला रहा, और हमारे से लू बूझ रहा यू कौन है, बहू हमारे? खैर मुंह दिखाई की तो जब बतावेंगे, तुमने बहुत दावत दी हुई गांव को जो तुम्हें मुंह दिखाई दे जाती, पर नू बता कहाँ आ गई बहू, ढेर लगा रखा तुमने बहू होगा, चार बहू तो तुम राजेंद्र के ले आए, बेकार कर दी वो सारी लोंडिया, एक यू बैठी हैं, अब इसे ले आए, किसकी बहू है यू? अरे हल्लन की बहू है, तेर से भी ठाड़ा हो रहा, कदी तू जान रहा हो बालक का ब्याह कर लिया। खैर ठाड़े तो तुम सारे गांव ते ही हो, हैं? मैं बुझू हल्लन होगा इस लायक जो तुमने उसका ब्याह कर दिया। खड़ा करूं तेरी जड़ में लाके? अरे इतना तेर से लंबा ना हो तो जब कहिए। तमे जो ये सारे उठपटांग काम सूझ रहे हैं, हैं? तमे कानून नियम का भी पता कुछ हैं? अब सरकार ने नियम बना दिया है, लड़की की उम्र 21 साल और लड़के की उम्र 24 साल, अगर उससे अलग किसी ने ब्याह करा जेल में घेर देगी सरकार। जेल जाना चाह रहे हो? हाँ जेल भेज तू, हम जेल जाने को बैठे हैं, तेरे अकल ठीक ना हुई दिखे अभी है, या कुछ और करवाना चाह रहा, तेरी जेल ही देखूंगी, तू भेज के देख हमें जेल। अरे तू चुप रहो, मानस पे जोर पड़े ये बात सुनकर, मरी लायक है ये बात कहने की? अरे चाचा थारे लायक के बात है मुझे सब पता, पर तमें इस बात का नहीं पता कि अब बन गया कानून, लड़की की शादी की उम्र कर दी 21 साल और लड़के की कर दी 24 साल, जो उसका अलग चलेगा जेल जाएगा, कानून बना दिया है यू। अरे हम ऐसे कानूनों को ना मानते जो उनसे तू हमें बता रहा, यू सारे कानून पहले हमारे पे ही बनवाना चाह रहा, इसके कहने से कि हम कानून मान लेंगे। अरे हम सरकार की ना मानते, जो हमारे बड़े बुड्ढे कानून बना के गए ना, हम चले उन पे और के। अरे किशन ऐसे कानूनों को मान के हमारा काम चल जाएगा के? हाँ भला हमें तो करना खाना, बेमतलब की बात। तू करना खाना बता रही, हमें कंपनी चलानी। हाँ कंपनी चला लो तुम, परिवार थारे पे चल नहीं रहा, कंपनी चलावेंगे। अरे किशन रस्सी जल गई पर बल नहीं गए, तेरे अकल ठीक नहीं, तू बाज नहीं आवेगा। अकल तो मैं थारी ठीक करूँगा,
मेरी ताल बैठी ना अभी बैठेगी तेरी बैठे ना ताल। देख तेरी तो कोशिश करके तुच्छे मुच्छे बदमाश ते लेके ते एमपी एमएलए लो बुला लिया हुआ तो ना हमारा बड़ बंका इब जो तेरे पे होगा वो कर लिए इब करता रहा भी आ गया और एक बात और बताऊं जो तेरे पे हो वो कर लिए चल तू बकवास तो ज्यादा कर ना तू अपने घर को जा रहा हूँ पर थारी अकल जरूर ठीक करूंगा एक दिन में देख कर तेरे के क्या गया था जइयो इस पर होगा कुछ नहीं पर यो हर काम में भाई मार में टांग अड़ावे अरे पर कह तो करता रे गुदिया यू बोल नहीं रहा यू तड़फ रहा असा की तमीज से तड़फण भी ना दो देख ले करता रे की भी शर्म नहीं मान रहा सुनो हाँ आपसे कितनी बार कहा है कहीं ठीक सी जगह चलो कुछ नहीं रखा इस गांव में कुछ नहीं रखा इस गांव में मतलब हम तो कहीं बाहर किराए पे भी रह लेंगे इसकी पढ़ाई तो अच्छे स्कूल में हो जाएगी हाँ पापा मम्मी ठीक कह रही हैं मेरा एडमिशन किसी बढ़िया से स्कूल में करवाओ मैं बड़ा होके कुछ बनना चाहता हूँ पढ़ाई तो यहाँ भी हो ही रही है गांव में क्या दिक्कत है आपको तो कोई दिक्कत दिखती नहीं है पता नहीं आपको यहाँ मोहल्ले में कैसे लोग रहते हैं कैसा माहौल है यहाँ का और लोग भी तो यहाँ रह रहे हैं औरों के बच्चे नहीं पढ़ रहे अब गांव वैसे थोड़े हैं जो तुम्हारे मेरे जमाने में थे अच्छे पब्लिक स्कूल नहीं खोल रहे हैं क्या चाहते हो भाई पापा शहर में चलो शहर में ही चलेंगे हम चल तो फिर चलेंगे खुश चलेंगे हैं चलो अब पढ़ाई करो ये यहाँ से पढ़ो ओ भैया यादव सिंह मंगल सिंह आ जाओ एक बात बताऊंगी तुम्हें अरे चाची मुझे खेत में जाके स्प्रे करना है बोझ लगन लग रहा है तुझे जो कुछ बताना सेट देसी बता ले इतना टाइम नहीं है अरे बहुत जरूरी बात है थारे काम की बात है चाची बोझ मरन लग रहा हूँ उतार दो इसे ना नीचे मत उतार है दो मिनट की तो बात है मैं कह रही थी मारे बहू बहुत काम करे और सारे दिन काम में लगी रहे और ज्यादा कर तो मेरा ही काम करे मैं तो बतेरी मना करूँ मानती ना पर बहुत असल घर की है मारे बहू खानदानी इस मारे रोक के बता रही हूँ मैं तुम्हें थारे काम आवेगी यू बात अरे चाची खानदानियों को तो खानदानी बहू आख रहे बहुत बढ़िया ना थारा आगी अरे चाची जो तुम्हारे भी नालायक आगी तो असल बहू किसके आवेगी चल अरे हकले ये कुआई है मेरी बात सुन अरे चाची मैं तो सुनाना है सुनान अरे तेरी भी सुन लूंगी पहले तू मेरी सुन हाँ सुना चाची पहले तू ही सुना के कह तू भगवान ऐसी बहू सब देवे बहुत अच्छे खानदान से आई है अरे चाची मैं अपनी भैंस के पैसों को लेना आया हूँ भैया बहुत असल बहू आई है मेरे तो पता ना कौन से अच्छे कर्म आ गया है जो मुझे ऐसी अच्छी बहू मिली बहुत काम करे तू मानी ना रहा इस बात को पता ना मैंने कौन से पुण्य कर्म करे जो मुझे ऐसी बहू मिली है अरे भाई राजवीर मैं तो तेरे ही मिलन आया था मेरे ते मिल क्या केक रहे तू अरे भाई तू भैंस खूब ला पर मारे पता कौन से पीछे मांग रहा तू कहीं के पैसे अरे भाई राजवीर जो तुम वो भैंस लेते उसके पैसे मांग आया था मैं तो और कहीं के मांगता मैं राजेंद्र की माई हकड़ा के कह रहा सुनिए इसकी इस हकड़ा के तो हलक में हाथ देना पड़ेगा मैं अपनी बात बता लग रही तो बीच में अपनी गारा मेरी एक नहीं सुनी इसने अरे चाची मैं अपनी भैंस के पैसों को लेना आया हूँ भैंस अरे मेरे बालकों को जाने कैसा लोगी दूध का मुँह देखे तू भैंस की बात कर रहा के गारा तू ओ भाई लंबरदार तुझे एक बात बताऊं ना तो यहाँ भैंस ना यहाँ भैंस के पीछे और एक बात और सुन ले कान खोल के पां धर ना दिए यहाँ आगे कदे बालकों को सिम जाना पड़े वे तुझे भंबोइट दे ठीक है ना अब जा रहा है बालकों को भेज छोड़ कान तुझे कैसे रे जा पीछे वीसे गारा बे मतलब ये भी कैसे जाए मैं तुझे बेजू बाल गुगू घर लो छोटी का मंगे ना भाई राजवीर मैं तो अपना भी चल जाऊंगा
पर तू मुझे पहले वो सो, सो, सोने की खुंटी तो दिखा दे जहाँ मेरे पैसे दूध पी लग रहे। Oh, no! तेरे कैसे डाकू को दिखा दू सोने की खुंटी, सबके सब हमें सोने की खुंटी पीछे आसी चल गड़ी अंत सोने की खुंटी बता दे। तू जाग भेजू बालकू को लिखे चल आया। अरे जिसका लिया उसका दिया के हमने आज तक हाँ। आज तक दिया हमने किसी का, यू आया यहाँ पैसे लेना। एक ही राह पा रहा सब है, हम यार पीछे बता जाऊं। अच्छा अब मेरी बात आई समझ में, मेरे पैसे पी रहे थे सोने की खुंटी पे दूध, और वे दूध पी के घना और घना पी के फरके और बस मेरे पैसे मर गए। इसमें बिचारू की के खता है इनकी। शहजादे हैं भोले और मासूम, धरती के कोने कोने में मची हमारी धूम। हम दुनिया के शहजादे हैं भोले और मासूम, धरती के कोने कोने में मची हमारी धूम। कैसे हैं हम के कर डाले किसको के मालूम, टेढ़ी मेढ़ी चाल हमारी चलते झूम झूम। दुनिया पे राज हमारा है तक तो ताज हमारा, नाम गली हर शहर शहर में गूंजे नाम हमारा। दुनिया पे राज हमारा है तक तो ताज हमारा, नाम गली हर शहर शहर में गूंजे नाम हमारा। होकर में है जमाना रखते हैं शान हम, अपने सामने पढ़ के अच्छे अच्छे जावे तुम। धरती हमारी होगी और हम होंगे प्रधान, उस दिन सारे पूरे होंगे दिल के अरमान। सब धरती हमारी होगी और हम होंगे प्रधान, उस दिन सारे दिल के होंगे पूरे अरमान। मुश्किल हमसे बच पाना चलता अपना हरदाव, भाव स्वभाव यही अपने हम ऐसे अपना तू। कान खोल के सुन लो रे बालको। हाँ तमें नहीं पता इन गांव वालों ने हमारे पे इतना अत्याचार करया, ऐसे ऐसे इल्जाम हमारे पे लगाए, बताया नहीं जाता जोर पड़े, आंखों में पानी आ जा मेरी याद करके। अरे हमारे जी को पता हमने कैसे इन गांव वालों की नजर से तुम बचा कर रखे, गांव वाले कुछ ही इल्जाम लगा देख रहे थारे पे। अच्छा ऐसे घेर घोट के बीच में बढ़ जा रही मैं। मेरी बात सुनो डांत, तुम थी छोटी छोटी तुम्हें कुछ नहीं पता, मोसर मोसी ने बहुत जिल्लत झेल ली, लोगों की गाली सुनी, बदनामी खेई, पर ना तो कभी किसी का बुरा करया, ना किसी के बेईमान ना करया, किसी के लड़े नहीं। पर इनकी समझ में तो ना आवे या बात,
नूना क्या करो तुम बालको को, मारे बालक समझदार दिए हमें भगवान ने। सुन लो रे बालको, तुम्हें समझा रहा मैं, हमने अपनी बैठिया वाली वृत्ति नहीं खोई, हम बस अपने काम पे लगे रहे, काम ने बहुत कराया हमारी गल, इस गांव के शर्म लियाज नहीं, इसने हमें इतना सताया जिसकी कोई हद नहीं। और बब्बा तू घबरावे मत, तेरा सिखाया हुआ एक नुक्ता हमें याद है, झुककर तुमने बताया उककर हम चलेंगे और इस सारे गांव की अकल ठिकाने लगा देंगे। दादी दादा, हम चुन चुन के बता लेंगे, चाहे हमें जान भी ना देनी पड़ जाए। बेटा जान देने की बात ना करा करते, तुम दूसरों की जान लेने की बात करो ना। अरे तेरे सुसरे उल्टी बात कर रही है, इन्हें कितना समझा लो, इनकी समझ में नहीं आती। ओए बालको एक बात सुनो मेरी, लड़े नहीं करते किसी गैल, हम नहीं लड़े किसी गैल, और हमारे सारे काम शुद्धे हुए, राज्य बोल के काम का डग रहे हैं, इस गांव में सबके सब हमारे खिलाफ हैं, वो तो कोई मेरी डबकोंगली नहीं ठा सकता, कुछ कहने की हिम्मत नहीं किसी में, पर सारा गांव है खिलाफ, राज्य बोल के अपना काम का डग रहे हैं, ठीक है समझ लियो बात को। अरे अपने काम से काम रखो, के जरूरत है किसी से फालतू बोलने की। पर बाबा हमें तो अपने अकेले लड़ना पड़ेगा ना। हाँ तो लड़ो, कौन रोक रहा, लट तो ठाना पड़ेगा, लट बिठाओ। हाँ तो लड़ो, लड़ने के लिए तो तैयार करे के तुम, पर क्यों कर लड़ोगे, तरीके तय, और वो तरीका बताओगा मोसा, अरे हम बताओगे। अरे अनुज तेरे मोसा को ना पता कुछ भी, इसे तरीका बताते बताते मुझे बुढ़ापा आ लिया। अरे मैं बताऊंगी बाल को कैसे लड़ा जा, कैसे तरीका। अभी सारा मोहल्ला थारा ही हो जाएगा, ना किसी नाली पे राड़, ना किसी दीवार पे राड़, नाली और दीवार सारी थारी ना हो जाएंगी। बस तुम आपस में मत लड़ियो, सारे गुंडी बना कर रखो, फिर थारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, ठीक है। बस एक बात का ध्यान रखियो, मोसे पे की ढड़का कोई धब्बा ना लग जा, इन नाज लो इज्जत ही कमाई, जो भी कुछ आज इनके धोरा है ना, इनकी मेहनत और इनकी इज्जत इस गांव में जाने जा। ओए बालको एक बात और सुन लो, कान खोल के सारे मिल के काम करो, तड़की कुछ करो, दोपहरे को कुछ करो, सांझ को तीसरा काम करो, मौका लग जाए तो चौथा काम भी करो रात का, पैसे आने चाहिए घर में, कोई ग्राहक आ जा सस्ता या महंगा उसे वापसी मत जान दो, पकड़ लो, पैसे आने चाहिए, पैसे होंगे जब तो गांव को दबा कर रखेंगे, और किशन जैसे की तो कतई ना बोल दे फिर हम, क्योंकि हमारे पैसे से ताकत बन जाओगी। शाबाश मेरे बेटा, अब मेरे पोते जवान हो गए, अब ना मुझे टेंशन काय की भी नहीं चाहती मैं। हाँ। चाची के ज्ञान है। अरे ज्ञान व्यान कुछ ना है, घर में राड होगी भैया। ओहो थारे भी राड हो लगी, थारे तो खानदानी बहू आ रही है। अरे जैसे खानदानी ये है भाई, वैसी खानदानी इनकी बहू आ गई। अरे भैया मुझे तो बताते भी ले आ जा रही है, फूकनी मारी है, देखिए मेरे गोड्डे की पाली में मारी, कट दे सी, मेरा पाँव ना उठ रहा, सारे में देख चोट के निशान। चाची फूकनी मारी है? हाँ भैया। ना फूकनी नहीं मरवाए होती है, लोया मारा। हाँ। मुझे लगे मारा भी बहुत केड़ा दिखे, हाथ पाव भी ना उठ रहे, लीले हो रहे कते लीले। भैया पूरी जवानी चढ़ रही है सोकरांड को, पूरी जमा के मारी है फूकनी मेरे गोड्डे में, फोड़ दिया मेरा गोड्डा, मारे तो सिर में थी, पर मैंने गोड्डा डालिया अपना सिर बचाने की मारी ने, अब के बताऊं तो मैं भैया। और राजवीर ना था के घर? अरे भैया सारे मर रहे थे यही। अच्छा यही था, और फिर भी ना बचाई? अरे भैया वो तो आया था बचाने, पर मेरी सौक उसकी छाती पे चढ़ गई, अन्नु के अलग तेरी मूछा में मुद्दूंगी। वो तो मूछा का नाम सुनते ही डाक लगा के भाग गया, के करता अपनी इज्जत तो बचानी थी। और चाची उसे तो भगना ही था, इज्जत के अलावा उसके दौरे था ही के, पर होगी हदी, आजकल की बहुवे ना इनका शर्म लिहाज नाम की चीज नहीं। और चाची अनुज भी तो घर ही मरता होगा। अरे था भैया यही, बतान तो लग रही हूँ सारे मर रहे थे यही। ए चाची उसने भी ना बचाई, वो तो पहलवान भी है। भैया उसकी हिम्मत ना पड़ी बीच में आने की,
वो तो भक्का भीत पर चढ़ गया बंदर की तरह। ओहो बचाची तेरी गैल भी बहुत बुरा होया, फिर बहू के पिहरियान को ना बुलवाया। अरे भैया ही तो अकेली संभालने में ना आ रही, पिहरिया बुला के मुझे अपना खानदान पिटवाना ना। खैर चाची पिहरिया तो बुलवाए होते। भैया इस मेरी शौक ने तो फोन कर रखा पीहर को, आवेगा इसका बाप और वो के भाड़ू नहीं आवे, वो तो पंचायत लेकर आवेगा। बा होगा चढ़ाई ऐसे भले आदमियों के साथ ऐसे ऐसे कांड, हे भगवान तू भी पता नहीं के सोचे बैठा। बा होया ठीक ही, मजा आगा, तसल्ली सी होगी जी को आज कतई। जैसी करनी वैसी हाँ। भरनी, इनके कर्तव्य ऐसे। इनकी गैर और भी ज्यादा होनी चाह। होगा, होनी क्या चाहे होवेगा। जब ही ठंडक सी पड़ेगी, चला काम देखेंगे। रे राजवीर है भाई। तू कैसे आया चोर, तगादे को आया होगा? अरे भाभी ना, मैं तगादे को ना आया हूँ, मैं तो किसी और काम को आया हूँ। हाँ मैं तो तुमसे मिलने आया, मैं तुम्हें जानता ना हूँ। बता फिर काम बता। भाई मेरे घर में बड़ी दिक्कत सी चल रही है। फिर मारे आते दिक्कत खत्म करने की दवा मिल रहा है के? अनुज भाई मैं नू कहूँ अपनी कंपनी में मुझे भी काम दे दे। मारी कंपनी में तेरे डाल की जरूरत नहीं है, हाँ मैं चाहूँ हुनर बाजी आदमी और तेरे में हुनर नाम की चीज नहीं है। अरे चवन्नी मेरे पोते बड़े काम संभाल रहे, हम तेरे जैसे निकम्मे को रखे हैं कि अपनी कंपनी में, पता ना तुम्हें कितना बिगड़वाया आई। मेरा तो वैसे बहु बेटी का घर है। अरे भाभी अब तो मैं सुधर लिया, अब तो मेरा ब्याह भी हो लिया, मैं तो नू कहूँ मेरी घरवाली अभी रख लो और मुझे भी काम पर रख लो, हम मेरा भी गुजारा सा हो जाएगा, हम दोनों लगे रहेंगे हैं, देख लो। अच्छा तेरी बहू भी कर्मचारी बन जाएगी क्या? फिर तो हम विचार कर लेंगे कुछ। के विचार करे तू, हमें बता, हम बतावेंगे तुझे कैसे विचार करे करे। ओ भाई तुम रोला तो करो मत, चवन्नी यू बेचारा शुद्ध आदमी। चवन्नी एक काम कर तू, खेत में जो कुछ भी उतरा करे वो तू बेच बाच लिया कर और अपना लग्या रहो अपना। ठीक है मौसा सही कह रहे तुम। हाँ चवन्नी तू और तेरी बहू दोनों देख लग रहो भाई। और फिर बहू को अड़ान लग रहा तू? बेचारा शुद्ध आदमी लग्या रहेगा ऐसी कुछ बात ना, हम तो कंपनी चला ही रहे, यू भी लग्या रहेगा। ठीक है आ जाइये। हाँ हमारे तो खेत में कदी मूली कदी बिंडा कदी गोभी बथेरा सामान होवे, बेचता रहियो। के कह रहे तुम मौसा बेटा, ऐसे बेईमान झूठे को हम अपनी कंपनी में रखना आके, हमें के अपनी कंपनी डुबोनी है? अरे बतेरे नौकर मिल जाएंगे, किसी और को रख लेंगे। ठीक है तो भाई चवन्नी ऐसा है, कंपनी के जीएम ने कर दी निरोड़ मना, तेरे लायक मेरे दौरे कोई काम नहीं। अरे एक बात बताऊं, तू है हमारा पुराना यार, तू कंपनी में थोड़ा घना पैसा लगा ले। तुम किसका पैसा लगवा लग रहे, हमारे कुछ कमी है के? हमारे पोते ना बढ़िया कंपनी चला रखी है, जाके देख बस अड्डे पे कैसी तरक्की कर रहे हैं। अच्छा मैं तो जरूर देख के आऊंगा, मगर मुझे अपनी गैल रखी हूँ। हाँ हाँ रख लेंगे। ठीक है राम राम जी। मोसा जोन सा हम अपना नवा काम शुरू करेंगे, हाँ इस चवन्नी को उसमें ना रख लेंगे, यू निरोड़ उसी लाक है। नू कर देंगे पर यू करेगा के? अरे मोसा बैठा था कि तबीज बना जाओगा और क्या करवाऊंगे इस पे। राख तो तुम लियो पर पैसे के मामले में मैं बैठूंगी दोहरे, पैसे दे ले मैं अपने हाथ में रखूंगी। यह बात ठीक है। वो हाँ। तो तू राख लिए पर पहले लेने का काम तो इसी पे करवा ले, ले लख रहेगा यू फिर धरेगा फिर तू राख लिए। नहीं इसकी जेब में नहीं धरन दूं मैं तो थाली लेकर बैठूंगी जोत का आगे, उसमें धरवा करूंगी सारे पैसे। ठीक है ठीक है ले जगा दे चुरा के इसकी भली चलाई। अरे वाह नायने की बिचारियां तू कहीं ना खाई, तम आज बाल लो रोटी वोटी बना लो। अल्लाह पर आओ आ जाओ बैठो। अब बिचारी गिर लिया भाई। ओ बो चल आगे चलो बैठ। अच्छा फिल्म बना है छोड़ो भाई। इसकी कमी थी बता भाई। <laughs>
देखिए साहिबान मेहरबान कदरदान, केवल 2 मिनट का दीजिए मुझ पर भी ध्यान। बस आपकी चलने वाली है, मात्र बेसकीमती 2 मिनट में आपकी लूंगा। बात को घुमा फिराकर या बढ़ा चढ़ाकर कहने की हमारी आदत तो है ना, हमारे पास है ये हिमालयन का बाम। अब सुनिए बाम की तारीफ। किसी भाई बहन के सिर में दर्द हो रहा हो या फिर सिर भारी हो रहा हो, हमारा इतना सा बाम माथे पर और सिर का दर्द गायब 1 मिनट तक पहले। ये कहाँ ते ठा लिया किताब भुत्तू बातू जी की? अरे मोसा भूत की ना, ये भविष्य की किताब है। मतलब इनमें हमारे बड़े बुजुर्ग ने इतना ज्ञान भर रखा, इन ते तो हम लोगों के घने दुख द्वेष दूर कर देंगे। ये थार से न होने का भैया काम। अरे मोशी मारते क्यों नहीं होगा, बहुत फायदा का काम है। यू तो इतना सूत्रा चलेगा सोच भी नहीं सकते तुम। ना कहीं जाना, ना कहीं किसी का आना, ना किसी की जी हजूरी, और नोट बरसेगा। तू देखे गिनने का काम नहीं चले, तोलने पड़ेंगे। हैं? हाँ, खूब धन बटोरेगी। पर भैया तुम इसे करोगे कैसा? हो तो अरे मोशी सब होगा, किस बात की चिंता मान नहीं तू। यू तो तू देखे काम इतना सूत्रा चाल लगा, अंबानी को फैल कर देगा। अंबानी अरबी यू ही काम कर रही है। अरे मोसा तुम इन बात तुम ना बढ़ो, अंबानी अरबी कर रही है। मैं नु कहूं उड़ाल के आदमी भी सलाह मांगेंगे थारते, करके दे आयु चांदना हो जाएगा। काम इतना फैल जाएगा मारता समय चबिन जाने का। फिर तो हमें नौकर रखने पड़ेंगे। नौकर के लिए वो चवन्नी आता, उसे रख लेंगे। तो चवन्नी आवे, उसकी बहू को ना देख लूं मैं यहाँ। तू तो उसकी बहू ना खाली, चवन्नी आऊगा केला। मोशी दिन के दुरे बैठेगी और सारा हिसाब किताब मोशी के हाथ में रहेगा। और मोसा मोशी का हिसाब किताब कैसा है? 1 नंबर। तो क्यों बैठा लिखवाया जो सामान? देर कर रहा मन रहा। वो सामान मतलब? बता रहा मैं, मेरी गल चलो, तुम सामान लेकर आओगे। चल ठीक है गल चल पड़। बस पो बारे ठीक है, याद ही रखोगे। ऐसा हो जाएगा मोशी चांदना दिखेगा इस काम को भी, इनका होके गया। भैया तुम जल्दी जोड़ो इस काम को। जोड़ दिया, मुझे नाने की रात को नींद नहीं। कल का दिन इस ही शुरू करना, बस निरोड़ दिन लिखकर तू शुरू कर। हाँ ये भी चाल ले, चल सामान लेने रात को ही। हाँ रात को लाऊंगा सामान, तड़की दिन लिखकर तू धूना टेकना है। एकदम और किसी भाई को लगवाना हो बताओ। क्यों ताऊ आयना स्वास्था हुआ नहीं ठीक? आराम हुआ, आराम हुआ तो दे दो एक डब्बी। मैं कहीं आता रो रो दे दिए। बहुत बढ़िया ताऊ, ए तू बहुत बढ़िया। अगर तेरे जैसे 2-4 कस्टमर और मिल गए तो हमारा तो हो लिया, हमारे तो पल गए पेट। हाँ तू बहुत बढ़िया ताऊ, चल बैठा रहे। तू भी भगवान के पास जल्दी जाने वाला। अब सुनिए साहिबान, किसी भाई के बहुत पुरानी खांसी हो या फिर छत्ती में मलगम जम गया हो, मलगम के साथ खून आता हो और डॉक्टरों ने कर दियो हाथ खड़े, तो चिंता मत करें। हमारा यो इतना सा बाम पतस्से के बीच में रखकर पानी के साथ ले लीजिए। पतस्से के साथ इसलिए क्योंकि बाम है हमारा कड़वा, आप थूक दोगे। 3 दिन की खुराक में छत्ती में जमा मलगम लैटरिन के रास्ते बाहर, आपको भी सुकून, पड़ोसियों को भी सुकून। और किसी भाई के नजला हो, जुखाम हो या नाक बहती हो तो परेशान ना हो। ओके भाइयों बहनों, अब हम चलते हैं। जिस भाई बहन को हमारी बाम की जरूरत हो तो वो डब्बी पे लिखे नंबर से हमें फोन करके मंगवा लेना, ठीक है भाइयों बहनों? हम्म
हंस रही है अनुज, अंदर रो के जागा तू। अच्छा अच्छा मना दिया आशिक, रो के जागा ले मोसा गेर इसके मुंह में ताका। अनुज देख इसे, बिजली की लाइन ना आया, इस लाइन में को भूत काट देंगे तेरा। सब रो के जाए अंते, हट जाओ चपेट में आ जाऊंगा, हट जाओ। बिजली तक खतरनाक लाइन है या, इस लाइन में कोई भूत बार का डैम तो के में ना रह जाइयो। पिपड़ के पत्ते पे बैठा के भेजू मां, अनुज छोड़ रहा हूँ मैं। जिसे बड़ा कहो काट लियो, काट दे जा यहाँ। ये देखो ये जलवे है हमारे, इन्हें खाली लकीर मान के ना बैठ जाइयो। हंस रहा था ई भसा दू, देखिए ई भी बात दू। अच्छा कर वो कार्ड, कार्ड खोल के पढ़ के करना, यू तो भी ठीक करया पढ़ मंत्र। इसे ज्ञान नहीं है भी कारी। जीप पे धरले पंचु दाने, दिखा के लिख रहा नहीं या नहीं वा किताब लिया, उसके मंत्र मारेंगे। टाइम क्यों खराब करना मन रहे, मंत्र मार के जल का छिट्टा मारो, जब जाओगे लिखकर के दिखाओ। सात समुद्र का जल हाथ में लेके छींटा मारे। तेरे ते पत्ती पता मत है, असली क्या थी भील है। सात समुद्रों का पानी है इसमें, सारे भूत इसमें डबो के मार रखे हमने। बच के ऊपर बचा। नाम बता। सब धरती मारी होगी और हम होंगे प्रधान, उस दिन सारे पूरे होंगे दिल के अरमान। सब धरती मारी होगी और हम होंगे प्रधान, उस दिन सारे दिल के होंगे पूरे अरमान। मुश्किल हमसे बच पाना, चलता अपना हर दाव, भाव स्वभाव यही अपने हम ऐसे अपना तू।